पूज्यपाद संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर विराजमान सभी गुरुजनों को नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, एक बार एक अच्छे उच्च कोट के साधक थे, ब्राह्मण कुल के। शरीर छूट रहा था, अंतिम में जिसने शरीर छूट रहा था, घर के बगले में किन्हीं की शादी हो रही थी, उस शादी में शहनाई बज रहा था। आज का तो डीजे चल गया है, बीच रोड पर चोट मारता है। अब वो देखता हूं लाए लगती उल्टी, माता बहने लोग बीच रोड पर नाचते, घर में नाचते तब बात तो बीच रोड पर नाचते, लोग को दिखाती है, शर्मों नहीं लगता है। ये शर्मो हम नाचे या अध्यात्म ज्ञान के अभाव में शर्मों को धो दिया है, बीच रोड पर नाचता है। उस समय वो नहीं था डीजे और इस तरह की पद्धति, सहनाई बजता था, बजाते थे शादी ब्याह में, तो बज रहा था सुरीला शब्द में। उस साधक अच्छे उच्च कोट के थे, मन लग गया सहनाई अच्छी तरह से आवाज में विराग और सुनने मन लग गया और शरीर छूट गया। उसी समय थे उच्च कोट के साधक में से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ जाकर के मोची कुल में, लेकिन बच्चा संस्कार के चलते मां का दूध नहीं पीता था। तो मां का दूध नहीं पिया तो बच्चा का शरीर रहेगा, सब परिवार के लोग चिंतित हो गए कि क्या हुआ, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। संजोग से उसी बगल होकर के उच्च कोटि के संत जा रहे थे, कहा बाबा देखिए क्या हो गया, बच्चा को दूध नहीं पी रहा है। अच्छा आप लोग बगल हो जाइए, बच्चा के बगल में जाकर के संस्कार देखिए। अब बच्चा कान में सट के कहता, संत कैसे होते सो भी, बच्चा कान में सट के कहता है कि जी सहनाई सुनने में कितना मन लगा था अंतिम समय में, और दूध पीने में लाज लगती है, और दूध नहीं पिएगा तो शरीर नहीं रहेगा, और शरीर नहीं रहे तो भजन कैसे करोगे, इस लाज को छोड़ो दूध को पियो। तो बच्चा तुरंत दूध पीने लग गया। क्यों जीते जीत हर मन के हारे हार, जितनी भलाई माता पिता नहीं कर सकते हैं उससे अधिक भलाई सुमार में लगा हुआ मन करता है, जितना अहित दुश्मन दुश्मन का नहीं करता है उससे अधिक अनिष्ट कुमार में लगा हुआ मन कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मनो पुबंगमा धम्मा मनो सत्था मनो मया मनसा चे पादुठे ना भाषति वा करोति वा ततो नन दुख मनवेति चक्र वावतो पदन। अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, वचन बोलता है, दूषित कर्म है, तो उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का। फिर कह दिया मनो पुबंगमा धम्मा मनो सिठा मनो मया मनसा चे पासन्ने ना भाषति वा करोति वा ततो नन सुख मनवेति छायावान पायनी। अगर स्वच्छ मन से पवित्र मन से संतों के निर्देशानुसार कर्म करता है, वचन बोलता है, व्यवहार है, खान पान है, उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है जैसे शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ती है। जितना अहित अपकार दुश्मन दुश्मन का नहीं करता उसे अधिक अहित अपकार अपकार कुमार में गला हुआ मन करता है।
इसलिए कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। इस आराध्य कहते हैं जितने के लिए आओ वीर मर्द बनो कायर नहीं, आओ वीर मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। और उस जेल को तजने के लिए मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थी डटना होगा। लेकिन जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, इसलिए बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल तपना होगा। दामिन दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इस आराध्य कहते हैं कि पवित्र भोजन करते हुए, पवित्र आचरण रखते हुए, पवित्र व्यवहार करते हुए, नित्य प्रति गुरु के बताए अनुसार चलते रहो, गुरु के ज्ञान को सर पर रखो, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञा मान तो कह कबीर व दास को तीन लोग भय ना एक लोगों कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा अता सुहानि ना होई। इसी गुरु को महिमा अपार है, कहने से बाहर है। जैसे देखिए कल हम लोग पाठ में सुनी थी भगवान राम सबरी कुटिया पर पधारे हैं, सबरी से क्या बोली, नर्मदा भक्ति कहने के पहले कुछ बोली, नर्मदा भगत कहाँ तो ही पाई सावधान सुनो, धर्म मनवा सावधान सुनने के लिए कहा। इसके बाद तब उन्होंने आगे प्रसंग बढ़ाया, अभी हम लोगों ने पाठ में सुना भगवान राम पैदल खड़े हैं, पैर में जूती भी नहीं है, रावण रथ पर है, तरह तरह का उसके पास लड़ने का सामान है, भीषण अधीर हो गए इसके साथ कैसे युद्ध कीजिएगा। अब देखिए कैसे जीत होती है, इसके कहने के पहले भगवान राम ने क्या कहा भीषण से, सुनाओ सखा कह कृपा निधन हे सखा सुनो, जिससे जय होती है विजय होती है और दूसरा ही रथ है। इसके बाद आगे प्रसंग बढ़ाया सौ आदि आदि, जब भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या आई, राजा अभिषेक हुआ, राज करने लग गए, आज समय समय पर आम सभा बैठक उपदेश करने लग गए, तो जब जब उपदेश करते थे तब भगवान राम क्या बोलती थी, सुनाओ सकल पूर्व जन्म मानी, हे मेरी प्रजा मेरी बात सुनो, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए सबका यही कहना है पहले सुनो इसके बाद जो मैं कहा तो उसको करो, बैठ जाइए। अब देखिए भगवान राम ने तो कहा राजत्व काल में सुनाओ सकल पूर्जन मम्बानी सीमित रूप में, हे मेरी प्रजा मेरी बात सुनो, असंत का हृदय कैसा होता है। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे, अवतारी महापुरुष थे, अवतारी महापुरुष से विषय विशेष हृदय विशाल विषय होता है, विशाल हृदय होता है संत का, वहदेव संत बन गए। काव्य नाव ने कहा संसार के लोगों से सुनिए सकल जगत के वासी, यह जगन न स्वर सकल विनाशी, लंबा उपदेश है छुपाई में है यह, सुनिए सकल जगत के भाषी, हे संसार को सुनो, यह संसार न स्वर है, ऐसा 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 आदि उपदेश दिए हैं। तो पहले सुनने के लिए कहा है, देखिए जो साधना करके संत अवस्था प्राप्त कर चुकी होती है वे भी जागृत अवस्था आकर के
सुनती है, कहते भी हैं सुनते भी हैं, क्यों कहते ही नहीं क्यों सुनते भी हैं, घंटों बैठ के सुनते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चत सुनाए तजी ध्यान, अजेन हरि कथा कहे रती तिनके ही अपाखान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, ब्रह्म पर किसको कहते हैं, जो साधना करके शब्द ब्रह्म के परे हो गई है, ये होते संत। ऐसे संत भी जागतावस्था आकर के संतों की वाणियों को सुनते हैं, आसने पर सुनाते भी हैं। तो पहले सुनना चाहिए क्या कहा जा रहा है। तो भगवान राम जो उपदेश दिए हैं, उस उपदेश में कई बातें आ गई हैं, और उसके सिलसिले में यही भगवान राम ने कहा विष्णु के माध्यम से, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर की भक्ति जो है चतुर सारथी है। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं बनते तो अर्जुन जीवित नहीं रहते। चतुर सारथी होने के कारण चतुर सारथी भगवान कृष्ण बने तो उनकी जान बची और उनकी जीत हुई। तो सतर सारथी जो है ईश्वर की भक्ति है और जीवन की रक्षा करने वाला है, कल्याण देने कराने वाला है। इस वजह सारथी सुजाना, इस श्लोकी चतुर सारथी है ईश्वर के लिए कहा गया है। सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, सब में सबसे बाहर है। अगर सही भक्ति करना चाहते तो कैसे सही भक्ति होगी, तो संतोष पाजक सुनना होगा ये क्या कहे, उनका क्या कहना है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंते, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। ये व्यापक अनंत परमात्मा है। अगर सही भक्ति करना चाहती है तो सुनने के लिए जाना पड़ेगा, क्या सुनाएंगे वे, संतोष क्या सुनाएंगे। तीन अवस्था तजहु तब भजहु भगवंते, जो समय समझ बाहर है। तीन अवस्था से मतलब क्या हो गया, हम जीव शरीर में रहते हैं, तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में दोनों भावों के बीच में, स्वप्न की अवस्था में कंठ में, गर्भिणी गर्भिणी की अवस्था छाती में। महापुरुष का कहना है सही मानव आप भक्ति करना चाहती हैं, तीन में से आप एक भी एक में नहीं रहे, एक भी एक में भी नहीं रहे। मतलब गर्भिणी में नहीं जाए, स्वप्न में नहीं जाए, आत्म भाव बीच में अभी जागृत अवस्था में इसमें भी नहीं रहे। ऊपर कौन सी अवस्था, वह त्रिक अवस्था, उसे प्रवेश करें। प्रवेश करने की जो साधना विधि है वो करते हैं, असल में सुलभ है। 4:30 बज गए। श्री सदगुरु महाराज।